So the marriage proposal is the title, and the writer name is Anton Chagola. Let's see what is who is this writer, great writer is. जो ग्रेट राइटर्स है उनमें से एक है रशियन राइटर दिस एंटोन चेको. इनके बहुत सारी मेनी ऑफ हिज नॉवेल्स आर वेरी हार्ट टचिंग नॉवेल्स बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप. लेट्स सी द ऑथर एंटोन चेको. ही वॉज बॉर्न 1860 इन 1860 एंड ही डाइड इन 1904. ही वॉज अ रशियन ऑथर हु लिव्ड बिटवीन 1860 एंड 1904. ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी राइटिंग्स short story writings and plays dramas. Okay, he is known for that. Anton Chekhov also worked as a physician. He was also a doctor. His job as a doctor did not pay very well. He was not successful as a physician, as a doctor. So Chekhov did a lot of different things for money. That's why he tried different things to earn money, including writing. So main purpose of purpose of writing novels and stories was to earn money. Okay, that's why. Okay, let's see. Now, this novel or this story, this play, जो drama है, इसमें क्या है? सबसे पहले आपने right hand में आप देख सकते हैं what are the characters, which are the characters in this novel. ये dialogue form में story है पूरी. इसमें character है Stephen Stepanovich चुबुको. तो इसको आपको इतना बड़ा लंबा नाम याद रखना है. इसको आपको याद रखना है चुबुको. चुबुको इज द वन ऑफ द कैरेक्टर. देन अनदर हु इज द चुबुको. चुबुको इज अ कंट्री फार्मर. ही इज अ फार्मर. देन सेकंड वन इज नटालिया. नटालिया स्टीपेनोवा. स्टीपेनोवा यहाँ पे देख सकते हैं. ये भी स्टीपेनोवा, ये भी स्टीपेनोवा. इट मीन्स दैट सी इज नटालिया. याद रखना आपको, नटालिया इज चुबुको's डॉटर. This farmer's daughter and she is of 25 years of age. 25 साल की लड़की है. चुबुको की डॉटर है. A third important character is Lomo. ये याद रखना इतना बस. लास्ट वाला येलो यमो भी Lomo. Who is he? He is चुबुको's neighbor. वो यंग मैन जो बताया मैंने आपको जो पिक्चर में था, he is actually Lomo. That girl, ये वाली, she is Natalia. And this man is Chubuko. She is Chubuko's daughter. And this Lomo and Chubuko, they are neighbors. Neighbors say both, the occupation of both is farmer. They both are farmer. Now let's see. You know this. Isko author ko yaad rakhna hai. Anton Chekhov, both famous writer hai. Russian writer. Ab is story mein kya hai? You must know the story because it is in dialogue form. Let's see what is in this story. The proposal, originally titled a marriage proposal, इसका original नाम था marriage proposal, is a one act play. One act play क्या होता है? एकांकिका जिसको बोलते हैं हम, नाटक. A farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888-89. The play is about the tendency of wealthy families to seek the ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. इसमें एक तरह का जो author है उन्होंने एक कटाक्ष किया है, criticize किया है. कौन सी tendency को? उनकी मजाक उड़ाया है. tendency उनका जो ये था किन लोगों का, वेल्दी फैमिलीज. वेल्दी मतलब रिच फैमिलीज का एक उस वक्त का ट्रेंड था. क्या ट्रेंड था? टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिली. दूसरे जो वेल्दी फैमिलीज है, रिच फैमिलीज है, उनसे रिश्ता करना. ये उनके, और ये ऐसा क्यों करते थे? वन वेल्दी फैमिली वुड ट्राई टू हैव रिलेशन विद अदर वेल्दी फैमिलीज. व्हाई? टू इंक्रीज देयर इस्टेट. इंक्रीज मतलब उनको बढ़ाना है. और क्या बढ़ाना है? इस्टेट. इस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, उनको और बढ़ाना है. बाय एनकरेजिंग मैरिजेस. और किस द्वारा करती थे ऐसे? ये बाय गिविंग, बाय एनकरेजिंग द मैरिजेस. जो मैरिजेस है, एक लड़का रिच फैमिली का दूसरी रिच फैमिली के साथ शादी करता था, उसका पर्पज यही था कि उनकी जो इस्टेट है, इस्टेट मतलब जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो और बढ़े. ओके, दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस.
इवन लोमो, ये जो लोमो है अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर, हु इज अ वेल्दी नेबर, वेरी रिच नेबर ऑफ चुबुको, जो चुबुको का जो नेबर है, आल्सो इज वेल्दी, चुबुको इज आल्सो वेल्दी, कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोस 25 ईयर ओल्ड डॉटर. ये जो लोमो है किसके घर आता है, चुबुको के घर, काय के लिए, किस लिए, टू प्रपोज द हैंड, टू सीक, टू आस्क फॉर द हैंड, हैंड मतलब उसका हाथ मांगने के लिए, हाथ मतलब हाथ नहीं, उसको शादी करने के लिए, किसके साथ, चुबुको के डॉटर के साथ. तो चुबुको के पास आता है रिक्वेस्ट करने के लिए, क्या रिक्वेस्ट करता है, दैट ही वांट टू मैरी विथ हिज 25 ईयर ओल्ड डॉटर नटालिया. ओके, ऑल थ्री आर क्वारलसम पीपल. द वन थिंग विच इज वेरी कॉमन अमंग ऑल दिस थ्री पीपल, इन तीनों लोगों में एक चीज बहुत कॉमन है, वो वेल्दी तो है लेकिन इनका एक स्वभाव है, वो कौन सा है, दे आर वेरी क्वारलसम, वेरी क्वारलसम, झगड़ालू है तीनों के तीनों. And they quarrel over petty issues and they don't need any solid, very proper issue to fight with, to fight on. ऐसा कोई जरूरी नहीं उनको कोई बहुत बड़ा कारण हो झगड़ा करने के लिए. They can fight over any petty issues. Petty का अर्थ होता है trivial, trivial शुल्लक कारणासाठी पण ते भांडू शकतात. आणि ते कोणते कारण आहे आपल्याला या नॉवेल मध्ये, या ड्रामा प्ले मध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार. ओके, द प्रोपोजल इज इन डेंजर. The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling. जब वो proposal के लिए आता है, वो proposal भूल जाते हैं, वो लाया किस लिए है, और वो झगड़ा करने लगते हैं. They forgot the main cause of his coming into their house. घर में आने का वो कारण भूल जाते हैं. They start quarreling. But economic good sense ensures that the proposal is made. लेकिन बाद में जब पता चलता है last में कि no, if we continue to quarrel, what will happen? We will lose the relation. So there will be no chance to increase our estate, increase our property. So they ultimately agree to accept one other as husband and wife. Proposal is made. आखिर में proposal हो जाता है. After all, although the quarreling perhaps continue, लेकिन proposal होने के बाद भी how the quarreling continues, that is a very funny thing to see in this lesson. So, ऐसा इसका story है, आपको short में याद रखना है. ये लोमो और चुबुको, they are neighbors, उनकी एक daughter है, 25 साल की girl है, जो जिसका नाम है नटालिया. तीनों में एक चीज बहुत कॉमन है, बहुत झगड़ालू है, उनको कोई भी रीजन नहीं होता झगड़ा करने के लिए, छोटे से कारण के लिए वो झगड़ा कर सकते हैं. एक दिन ये जो है लोमो चुबुको के घर आता है शाम को, उसको प्रपोज करने के लिए, और बाद में वो उनका किसी कारण पर झगड़ा शुरू हो जाता है. वो रीजन देखिए कौन से, बहुत छोटे छोटे रीजन है, और लास्ट में बहुत झगड़ा बहुत दूर तक चला जाता है. लेकिन जब बाद में पता चलता है उनको कि नहीं ये आया किस लिए है, तो दोनों फिर उनका मिलाप हो जाता है, दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, प्रपोजल हो जाता है. लेकिन उसके बाद भी एक कारण हो जाता है, वो प्रपोजल के होने के बाद भी कारण कौन सा है जिसके कारण वो झगड़ा कंटिन्यू होता है. लेट्स सी, दिस इज अ वेरी फनी लेसन. Let's see what is in this lesson. अब सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, रशियन वेडिंग होती क्या है. आपने सुना होगा इंडियन वेडिंग हमारे यहाँ पे देखते हैं, हम कैसे किस तरह से मनाते हैं. आपने शादी में जाते हैं ना, वो फेरे लेते हैं हम अग्नि के सामने, मंगलाष्टक बोलते हैं, उसके बाद रिसेप्शन करते हैं, एंगेजमेंट होती है. तो इस तरह का हमारे यहाँ प्रोग्राम चलता है, सत्यनारायण जी पूजा पण होती है छोटी छोटी. आता रशियन वेडिंग कशी आहे, रशियन वेडिंग बड़ी सुंदर होती है. देखिए क्या होता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट रशियन मैरिज सेरेमनी. आपको थोड़ा याद रखना है, लेसन के लेसन का पार्ट ही है ये, लेकिन लेसन में ये टेक्स्ट में नहीं है, हमें पढ़ाई के लिए नहीं, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. लेकिन रशियन वेडिंग हाउ इट इज वेरी फनी, लेट्स सी. रशियन वेडिंग के बारे में आर्टिकल है, प्रिपरेशन फॉर रशियन वेडिंग. रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होती है, हमारे जैसा तामझाम नहीं होता उसमें, चार दिन नहीं चलती. The planning only includes arranging for ring. इसमें एक ring ceremony होता है, brides dress होता है, brides मतलब दुल्हन का dress होता है, ring brides के लिए एक dress, cars होती है इसके अंदर, and a reception होता है. Okay, then earlier the bride's family paid for the reception. Earlier the पहले क्या हुआ करता था, दुल्हन की जो family होती थी वो reception, हमने reception देखते हैं, हम भी करते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता है. तो पहले वो खर्चा कौन उठाता था उनके रशियन फैमिली में, ब्राइड्स फैमिली. हमारे यहाँ तो पूरी ब्राइड अभी भी वही होता है, बट नाउअडेज, लेकिन आजकल क्या होता है, ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंस. अब दोनों मिलके एक शादी करते हैं, रिसेप्शन का खर्चा उठाते हैं.
A Russian wedding lasts for 2 days. दो दिन चलती है इनकी शादी. Some wedding lasts as long as a week. हफ्ते भर भी चलती है कुछ कुछ शादियां. And the occasion becomes something to remember for years. और उनका जो occasion होता है marriage ceremony वो सालों तक याद रहे इस तरह का होता है. Okay. The necessary part of wedding ceremony is a wedding procession of several cars. उसमें सबसे important हमारा भी यहाँ दूल्हा निकलता है. बाराती निकलती है उसमें बहुत सारे नाचते हैं लोग. वो दूल्हा दूल्हा बैठता है घोड़े पर. यहाँ पे किसमें बैठते हैं वो इसमें क्या होता है द नेसेसरी पार्ट ऑफ वेडिंग सेरेमनी. वेडिंग प्रोसेशन जो होता है शादी का जो प्रोसेशन होता है उसके अंदर बहुत सारी कार्स होती है. वो कार्स का बहुत बड़ा जुलूस निकलता है. द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम क्यों ब्राइड दोनों के मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स. उसमें क्या होता है जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं दूल्हा दुल्हन के वो मिलते हैं पहले ही शादी के पहले. ओके वो मिलने के बाद वो पोस्टर्स बनाते हैं. दे मेक पोस्टर्स दे राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट मतलब कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं. फ्रेंड्स ग्रूम और ब्राइड नहीं उनके फ्रेंड्स स्पीचेस बनाते हैं पोस्टर्स बनाते हैं. व्हेन द ग्रूम अराइव्स बाद में जब वो दूल्हा वहां पे पहुंचता है टू फेस द ब्राइड दुल्हन को लेने के लिए कहां लेके जाना है उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में. तो क्या होता है ही हैज टू फाइट टू गेट हर. उसको वहां पे झगड़ा करना पड़ता है किस लिए टू उसको लेके जाने के लिए. वो देते नहीं है उसके फ्रेंड उसको आसानी से देते नहीं उसको झगड़ा करना पड़ता है. झगड़ा किस तरह से होता है लेट्स सी. रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग. आपको पता है टॉल बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स में रहते हैं हमारे जैसे घरों में नहीं रहते हो रशियन. तो होता क्या है एंड द ग्रूम हैज टू क्लाइंब. अब दुल्हन ऊपर के फ्लोर पे रहेगी एकदम लास्ट फ्लोर पर या बीच में. तो ग्रूम को क्या करना है द ग्रूम हैज टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड. उस वहां तक पहुंचने के लिए उसको बहुत सारी सीढ़ियां पार करके जाना है दूल्हे को. बट एट ईच लैंडिंग और हर मजले पर हर फ्लोर पर क्या होता है जैसे कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग है और 9वें फ्लोर पर वो दुल्हन है. तो आपको हर फ्लोर पे क्या होता है एट ईच लैंडिंग हर फ्लोर पे क्या होता है ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन. उसको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है टू बी अलाउड टू गो अप. अगर पहले स्टेयर्स पहले जो जो हमारा फ्लोर है उससे सेकंड फ्लोर में जाना है तो फर्स्ट फ्लोर पे उसकी सहेलियां खड़ी रहेंगी दुल्हन की या फ्रेंड खड़े रहेंगे उसको क्वेश्चन पूछेंगे दुल्हन दूल्हे को. अगर वो क्वेश्चन का आंसर उसने दिया करेक्ट तो उसको अलाउ करेंगे नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए. ओके द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चन है उनके डिफिकल्ट होते हैं. समटाइम्स अबाउट द ब्राइड ब्राइड के बारे में पूछेंगे उसकी हॉबीज क्या है उसको क्या पसंद है उसकी डिश कौन सी पसंद है. इस तरह के क्वेश्चन डिफिकल्ट जिसको इसको पता नहीं होंगे. सो समटाइम्स अबाउट द ब्राइड समटाइम्स जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स पूछेंगे है ना जैसे अपन पहेली पूछेंगे उसको. एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड. और उसके साथ भी जो फ्रेंड होते हैं दूल्हे के साथ उसके साथ उसको आंसर देना पड़ेगा उनकी हेल्प लेकर. फॉर एग्जाम्पल किस तरह का एक क्वेश्चन होगा ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स. उसको छोटी छोटी लड़कियों के बेबी गर्ल्स की उसको फोटो दिखाएंगे बहुत सारी फोटो और उसको पूछेंगे दुल्हन को. एंड ही मस्ट से विच वन ऑफ हिज ब्राइड ही उसमें से पहचानना इसमें से उसकी दुल्हन कौन सी है जो अभी बड़ी हो चुकी है. इफ ही गेसेस रॉन्ग अगर उसने आंसर रॉन्ग दिया He must pay cash to move ahead. उसको या तो आंसर देना है नहीं तो पैसे देना है. हम भी है ना जूता चुराते हैं उस पैसे कमाने के लिए. तो उसमें ये करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे अगर आंसर रॉन्ग हो गया तो आगे जाएगा नहीं तो पैसे देना पड़ेगा. आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन उसके बाद ये हो गया उसके बाद आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइड. और दोनों जन दूल्हा दुल्हन दोनों घूमने चले जाते हैं सिटी का राइड लेने के लिए सिटी में चक्कर लगाने के लिए. और ये जो बाकी के लोग है वहीं पे रुकेंगे. आफ्टर टू और थ्री आवर्स ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव एट द रिसेप्शन. फिर से वो जहां पे रिसेप्शन वहां पे दो तीन घंटे के बाद पहुंचेंगे वो दोनों. द कपल सिट्स एट अ स्पेशली अरेंज टेबल. एक उनके लिए टेबल लगाया जाता है वहां पे बैठेंगे विद देयर फैमिली फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड गेस्ट सभी के साथ वहां पे बैठेंगे. The reception start with a toast to the couple. Reception क्या होता है टोस्ट होती है. टोस्ट क्या होती है ये ड्रिंक लेते हैं वो सभी लोग और एक दूसरे को चीयर्स करके उनका रिसेप्शन स्टार्ट होता है. ओके अ वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम. ये वेडिंग टोस्ट क्या होता है इज अ कस्टम एक रिवाज होता है वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम दोनों के जो ग्रूम के जो रिलेटिव है क्लोज फ्रेंड है और द ब्राइड वो क्या कहते हैं सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल. उनके विश करते करने से पहले उनको कुछ अच्छे शब्द दो चार शब्द बोलेंगे और उसके बाद क्या होगा देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन और ग्लास ऊपर उठाएंगे और उनको विश करते हुए ड्रिंक करेंगे वो वाइन को एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट एक साथ सभी लोग पियेंगे.
The groom is then asked to kiss the bride. After a few toast, इस तरह से toast होने के बाद, विशेष होने के बाद, people start eating and drinking. और लोग अपना खाना शुरू करेंगे, पीना शुरू करेंगे. And generally have fun. और बहुत सारी वहाँ पे enjoyment होंगी. After some time, the bride gets stolen. उसके बाद क्या होता है? दुल्हन को चुरा के लेके जाते हैं कोई तो भी. After some time, the bride gets stolen. She disappears, गायब हो जाती है वहाँ से. And when the groom start looking for her, जब दूल्हा उसको ढूंढता है, he is asked to pay fee. उसको पैसे पे करना है. जैसा हमारे यहाँ जूता चुराते हैं, वो डायरेक्ट दुल्हन ही चुरा लेते हैं. Okay. Usually it is his friend who steals the bride. अभी कौन चुराते हैं उसको? उसी के फ्रेंड चुराते हैं दुल्हन दूल्हे के. Who steals the bride? लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है. दुल्हन के फ्रेंड हमारा जूता चुराते हैं. यहाँ पे दूल्हे का फ्रेंड ही उसकी दुल्हन को चुरा लेते हैं और उसको पैसे मांगते हैं. Then there are the bride's friend. अब ब्राइड्स के फ्रेंड आते हैं. वो क्या करते हैं? They steal the bride's shoes. अब वो अपने सहेली की चप्पल चुरा लेते हैं, शूज चुराते हैं उसके ब्राइड के फ्रेंड. The groom must pay money for the shoe too. लेकिन उसको पैसा किसको देना है? ये दूल्हे को देना है. मतलब दूल्हा का ना दोनों तरह से फंसता है. एक तो दुल्हन चुरा के लेके जाते हैं तो अपने फ्रेंड को देना है, और दुल्हन की जो फ्रेंड है उसकी जूता चुरा के लेके उसका भी पैसा ग्रूम को ही पे करना है. ओके, देन The guests enjoy watching these tussles and continue party. और जो गेस्ट होते हैं ये देखते हैं मजा उनकी और अपनी पार्टी शुरू रखते हैं. सो दिस इज द वेडिंग सेरेमनी ऑफ रशियन वेडिंग सेरेमनी. पसंद आई क्या आपको ये सेरेमनी बच्चों? अच्छी लगी है सेरेमनी? Yes, हम ट्राई करेंगे इसको अपने इस तरह का करेंगे एकाधेगा. ठीक है, जिसको करना इस तरह का मुझे बताना, आई विल अरेंज. अच्छा लगा मुझे भी. ओके, जो कपड़ा ऐसा कुछ नहीं होगा. ओके, देन कैरेक्टर्स. इसमें कैरेक्टर्स मैंने हमको अभी हमने डिस्कस किया है. लैंड ओनर है चुबुको, नटालिया हिज डॉटर, एंड देन लोमो नेबर ऑफ चुबुको. ये जो सीन होता है, ये जो पूरा ड्रामा जो होता है, उसका जो रूम है कहाँ पे होता है? अ ड्रॉइंग रूम इन चुबुकोस हाउस. ये ड्राइंग रूम मतलब जो हॉल होता है चुबुको हाउस में, ये पूरा सीन दिखाया गया है. और इसमें पहले सबसे पहले क्या होता है? लोमो एंटर्स. ये लोमो जो कैरेक्टर नेबर है, ही एंटर्स एंड ही इज वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लोव्स एंड चुबुको राइजेस टू मीट हिम. ही वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट मतलब ही इज वेयरिंग वेरी नाइस क्लोथ्स, वेयरिंग अ जैकेट एंड ही इज वेयरिंग अ क्लोथ्स मतलब पार्टी में जाने वाले कपड़े पहना हुआ लोमो एंटर करता है एंड चुबुको उसको मिलने के लिए खड़ा हो जाता है. अभी चुबुको के घर में आया. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ. वी विल स्टार्ट द लेसन. हां, ये देखिए दो डायलॉग है, चुबुको लोमो, चुबुको लोमो डायलॉग फॉर्म में है. देखिए चुबुको क्या कहता है. जब देखिए उसका हाथ में व्हाइट ग्लोव्स पहना हुआ है, जैकेट पहना हुआ है, वेल ड्रेस्ड है और उसके घर में आया है, ड्रॉइंग रूम है. अभी देखिए चुबुको उसको क्या पूछता है. माय डियर फेलो, हुम डू आई सी? Ivan Vasilievich, I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise. My darling, how are you? He is very excited. When he is surprised also. Aur bolta, what do I see? Main kya dekh raha hu? I am extremely glad. I am really happy. Aur squeezes haath ko malta hai aur kehta hai, now this is a very great surprise for me. My darling, darling matlab dear, how are you? Kaise ho? Lomo kya kehta hai? Thank you. And how may you be getting on? How are you getting on? आप कैसे हो? आपका कैसा चल रहा है? चुबुको क्या कहता है? We just get along somehow. कैसा तो भी चल रहा है भाई. My angel. देखिए उसको बहुत सारे adjectives लगाता है. पहले darling, अभी angel. Angel मालूम है देवदूत. Thanks to your prayer. तुम्हारा ही भाई आशीर्वाद है. And so on. इसलिए अच्छा चल रहा है मेरा. Sit down. Please do. Please sit down. Now you know you should not forget all about your neighbors. My darling. See. You should not forget all about. हम भूलना नहीं है आपको, नेबर्स हूं मैं. अबे कभी भूलना नहीं चाहिए माय डार्लिंग. माय डियर फेलो, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप? देन ही आस्क, व्हाई आर यू सो फॉर्मल? फॉर्मल मतलब क्या? इवनिंग समय है, अभी इनफॉर्मल क्लोथ पहनने चाहिए, जैसे कि नाइट ड्रेस है. जैसे ये तुम्हारा कपड़ा जो है ना, इट इज वेरी फॉर्मल. फॉर्मल मतलब पार्टी वेयर यू आर वेयरिंग. जैसे कोई पार्टी में जा रहे हो, इस तरह के कपड़े पहने हुए हो तुमने. सो व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप? गेटअप मतलब ड्रेस. इवनिंग ड्रेस पहना है आपने, ग्लोव्स पहने हैं, एंड सो ऑन. क्या क्या नहीं? कैन यू बी गोइंग एनीवेयर? आर यू गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर? देखिए उसके विशेषण देखो. ये चुबुको को बड़ा मीठा बोलता है. पहले द डार्लिंग, देन एंजिल, नाउ
माय ट्रेजर, मेरे खजीने, वेर आर यू गोइंग? ओके लोमो, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आई हैव कम ओनली टू मीट यू. ऑनर स्टीपन स्टीपन स्टीपेनोविच, मतलब मैं आपको मिलने आया हूँ महाशय. ओके चुबू क्या कहता है? देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, इस तरह के कपड़े क्यों पहने हो, मतलब पार्टी वेयर में क्यों आए हो? माई प्रीसियस, देखिए नेक्स्ट वन, माई प्रीसियस, माई ट्रेजर, माई एंजिल, माई डार्लिंग, सो व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीसियस, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स यू विजिट. ऐसा लग रहा है कि नए साल में किसी को मिलने जा रहे हो, इवनिंग है, नए साल का मौका है, इस तरह से कपड़े तुम पहने आए हो, मुझे ही मिलना है तो इतने सारा अच्छा यूनिफॉर्म में क्यों आए, पार्टी वेयर में क्यों आए? लोमो क्या कहता है? वेल यू सी इट इज लाइक दिस, अब बताना की कोशिश, स्टार्ट टॉकिंग व्हाई ही हैड कम देयर, टेक्स हिज आर्म, ओके, आई हैव कम टू यू ऑनर स्टीपन स्टीपेनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू, दैट्स वाई आई हैव कम हियर. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help. देखिए, not once or twice, एक दो बार have I already the had the privilege, मतलब मैं, मुझे बहुत मौका मिला आपको, किसके लिए? To applying to you for help, मैंने आप इसके पहले भी आपकी मदद मांगी है, एक दो बार मांगी है, तो उसी लिए मैं आया, मदद मांगने के लिए आया है. And you have always, और हमेशा आपने, so to speak, अगर मैं झूठ ना बोलू तो आपने हमेशा मुझे, आई मस्ट आस्क यू, मुझे क्षमा करिए, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मुझे बहुत अभी एक्साइटेड हो रहा हूं मैं जो भी रिक्वेस्ट करने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि इसके पहले भी जितने भी मैंने रिक्वेस्ट किया आपने मेरी रिक्वेस्ट फुलफिल की है, यू नेवर सेड नो, सो आई एम गेटिंग एक्साइटेड बिकॉज टूडेज रिक्वेस्ट इज डिफरेंट, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मुझे पहले पानी पीने दो. देखिए ही इज वेरी एक्साइटेड, वो बात भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो डर लग रहा है, उसको नर्वस है, तो वो कहता है लेट मी ड्रिंक सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी पी लीजिए, ऑनर स्टीपन स्टीपेनोविच, और उसके बाद वो पानी पीने लगता है. तो ये चुबू को क्या कहता है? असाइड, बाजू में सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उसके बारे में क्या सोच रहा है जब वो बोलता है कि मैं आया हूं आपको तकलीफ देने के लिए, तो क्या सोचता है? ही हैज कम टू बोरो मनी, पैसे बोरो करने के लिए आया होगा, ये बोरो मतलब उधार लेने के लिए पक्का आया होगा. शांट गिव हिम एनी, नो आई विल नॉट गिव हिम एनी मनी, और जोर से चिल्लाता है, अलाउड कहता है, व्हाट इज इट माय ब्यूटी, व्हाट इज इट माय, बताओ बेटा किस लिए आए मेरी सुंदर आदमी, ब्यूटी अभी कौन से विशेषण है उसको, तो ये आप यूज नहीं करना, माय कर सकते हैं आप फ्रेंड के लिए मजाक में, प्रीसियस, ब्यूटी, एंजिल है ना, डार्लिंग, तो नहीं किया तो अच्छे, ये बहुत बढ़िया यूज कर रहा है, तो ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज की ब्यूटी है. सो ही सेड दैट बिकॉज ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट गिव हिम लेंड हिम एनी मनी because he thought that he has come here to borrow the money, so he said no I will not. Then he asked, what is it my beauty, kis liye aaye ho? Ab lomo kya kehta hai, dono baithe hue hai, they are talking. Okay lomo, you see honor stipanovich, I beg pardon stipanovich, I am awfully excited, as you will please notice, aapne dekha hoga main bahut excited hu. In short, you alone can help me. आप ही मुझे एक व्यक्ति हो जो मुझे help कर सकते हो. Though I don't deserve it, जानता हूँ मैं वो deserve नहीं करता. I am not worthy of it. मैं उस लायक नहीं हूँ. Of course. And I haven't any right to count on your assistant. और मुझे कोई भी अधिकार नहीं है to count on your assistant. Assistant मतलब help. आपसे help मांगने का मुझे कोई अधिकार नहीं. आपने ना भी बोला तो मुझे कोई problem नहीं होगा. क्योंकि वो आपका अधिकार है. तो मैं बहुत excited हूँ. मुझे समझ में आ मैं कैसे start करूँ. चुबू को क्या कहता है? ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, डोंट गो राउंड, घुमा घुमा के मत बोलो यार, स्पिट इट आउट. देखिए स्पिट इट आउट, स्पिट मतलब थुको, बको, हम इसको बोले बगलो, स्पिट इट आउट, वेल जो गोल गोल घुमा रहे उसको एक बार बोल दो यार क्या बोलना है, स्पिट इट आउट. वेल लोमो वन मोमेंट, रुको, दिस वेरी मोमेंट, वी नीड, एक मिनट रुको सिर्फ. द फैक्ट इज I have come to ask the hand of your daughter, Natalia Stepanova, in a marriage. He said, finally, after talking round and round, he said, sir, I have come to ask the hand of your daughter in marriage. Marriage के लिए मैं आपका हाथ मांगने, आपकी daughter का हाथ मांगने आया हूँ. Okay, चुबू को का reaction देखिए, दोनों खड़े हो गए. चुबू को joyfully, he is very happy, feeling very happily. चुबू को भाई जो इवन वैसिनविच शेड अगेन, फिर से कहो, आई डिडंट हियर इट एट ऑल, मुझे सुना ही नहीं, कहो फिर से एक बार.
फिर से रुको, आई हैव द ऑनर टू आस्क, फिर से आधा सेंटेंस होने के पहले इंटरप्टिंग, फिर से बीच में बोलता है माय डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, मैं बहुत खुश हूं आज, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, इस चीजों से एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमो, ही एम्ब्रेसेस हिम, उसको गले लगाता है एंड ही किसेस लोमो, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसकी तो मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा था कि कब मेरी बेटी को आप प्रपोज करोगे, इट हैज बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, ये तो मेरी बहुत अंतरिक इच्छा थी, बहुत सालों से इच्छा थी, शेड्स अ टियर, शेड्स अ टियर मतलब आंखों से आंसू भी निकलते उसके, देखो मैं वो कितना खुश हो गया, वो खुशी हो गया था एक्चुअली, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, देखिए स्टार्टिंग में कहता है पैसे मांगने आया हूँ साले, कभी नहीं दूंगा इसको, इस तरह से उसके रिलेशन थोड़ा, लेकिन अभी कैसा झूठ बोल रहा है, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माय एंजेल एज इफ यू वेर माय सन, जैसे मेरे बच्चों इसी तरह मैं प्यार करता हूँ, मे गॉड गिव यू बोथ, तुम्हें हम दुनिया का सब खुशी मिले, मे यू गॉड गिव यू बोथ, ओके, हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप, व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियट वे, मैं कितना बेवकूफी तरह बिहेव कर रहा हूँ, इडियटिक वे फॉर, आई एम ऑफ माई बैलेंस, मैं अपना संतुलन खो चुका हूँ, आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, एब्सोल्यूटली ऑफ माई बैलेंस, ओ विथ ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल Natalia and all that. Don't worry, I will go inside the house and I will call Natalia ko bula ke lata hu. Oh, it is a very good proposal for you. I am very happy because the husband like you, she will never get in her life. And I love you so much. You are my best neighbor. Okay, all these, my angel, my darling, my beauty, all these adjective he uses for the Lomo shows that he was extremely happy when Lomo proposes his daughter. Is it clear, children? समझ में आ रहा है? Yes, sir. गए तो नहीं तुम लोग? सभी लोग हैं ना यहाँ पर? Yes. सभी हैं? Okay. Children, we will stop today here. Lesson काफी लंबा है. And tomorrow again we will start from this point, okay? ये से हम start करेंगे. Is it clear? और आपने जो भी project बनाया है art integrated, उसको मेरे mail पे भेजना, मेरे group में मेरा mail ID उसको ये forward किया, और अपने बच्चों अपने friends को बोलना join करने के लिए. अभी 40 है बेटा, कम से कम all students should be there. Last lesson है, थोड़ा lesson lengthy है, लेकिन उसको उसके बाद हम practice start करने वाले हैं revision, okay? So hope you call your friends and join in large number. Okay, children, we will stop here. Bye. Bye.